नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए देखते हैं खबरें रफ्तार से। पीएम मोदी ने यशवंत सागर का किया वर्चुअली निरीक्षण। पीएम ने रामसर साइट सिरपुर तालाब को भी देखा। मेयर और सांसद लालवानी भी शामिल। अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद। 1,20,000 का जुर्माना भी लगाया। वाराणसी की एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने गए थे 3 बच्चे। घटना के बाद गांव में पसरा मातम। उमरी लूट और हत्या के आरोपियों पर 30,000 का इनाम घोषित। आईजी सुशांत सक्सेना ने घोषित किया इनाम। सराफा कारोबारी से की थी 50,00,000 की लूट और किया था कत्ल। राजधानी रायपुर में गोंडवाना समाज के संगठन मंत्री विकेश कुमार बीजेपी में शामिल। पूर्व संयुक्त कलेक्टर पीआर निर्मल ने भी थामा बीजेपी का दामन। सारंगढ़ में ईंट भट्टे के खिलाफ कार्रवाई। नियमों की अनदेखी कर चल रहे थे भट्टे। ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने कार्रवाई के दिए निर्देश। अंबिकापुर में 3 कोयला तस्करों पर कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। कोयले से भरा ट्रैक्टर भी बरामद। सीएम भूपेश बघेल का गौधन योजना के हितग्राहियों को सौगात। 21,31,00,000 की राशि की ट्रांसफर। अब तक 538 से ज्यादा रुपए का हो चुका है भुगतान। सीएम भूपेश बघेल ने पर्यावरण दिवस पर किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। रायपुर में बीजेपी ने पानी की किल्लत को लेकर निगम मुख्यालय का घेराव किया। जल संकट से प्रभावित लोग भी प्रदर्शन में हुए शामिल। अमृत मिशन योजना में नाकामी का लगाया आरोप। रायपुर में बीजेपी में शामिल हुई बड़ी संख्या में लोग। गोंडवाना समाज के संगठन मंत्री विकेश कुमार बीजेपी में शामिल। पूर्व संयुक्त कलेक्टर पी आर निर्मल भी हुए शामिल। अगस्त में भिलाई आ सकते हैं पीएम मोदी। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर का बयान, तारीख नहीं अभी तय। सीएम हाउस में सागर के 3 मंत्रियों के बीच हुए विवाद को लेकर हुई बैठक। सीएम ने मंत्रियों को आपसी तालमेल बनाए रखने के दिए निर्देश। लव जिहाद मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान की अपील। अपने परिवार पर यकीन रखें बेटियां, लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम शिवराज का मंत्र। कहा, जीवन में बदलाव से बचेगा पर्यावरण। जन्मदिन पर लगाएं पौधा। उज्जैन के योगेश्वर टेकरी पर युवक की हत्या। विवाद में चचेरे भाई को मारा चाकू। मामला दर्ज। आरोपियों की तलाश जारी। चुनाव से पहले राम की सियासत तेज। उज्जैन के दशहरा मैदान में राम नाम लेखन कार्यक्रम। कांग्रेस के कई नेता भी पहुंचे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में ग्रामीण क्षेत्रों का किया दौरा। लाडली बहना योजना की बांटे स्वीकृति पत्र। कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, किसानों का नहीं किया कर्ज माफ। राजपाल सिंह सिसोदिया का बयान, आई लव यू बोल रहे राहुल गांधी, कोई नहीं सुन रहा उनकी। नहीं मिल रही सोनिया गांधी को बहू। मध्यप्रदेश में किसानों को साधने में जुटी कांग्रेस। कल मंदसौर गोलीकांड के दिन करेगी महासम्मेलन। पिपलिया में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे कांग्रेस के नेता। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। 2,50,000 कर्मचारियों का सितंबर में होगा प्रशिक्षण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने जारी किए हैं जरूरी दिशा निर्देश। मध्यप्रदेश में चुनाव गाइडलाइन के दायरे में आने वाले अधिकारियों की होंगी ट्रांसफर। एक ही जिले में 3 साल से जमे अफसरों की लिस्ट तैयार। मध्य प्रदेश में 7 जून से होंगे सीखो कमाओ योजना के पंजीयन। 15 जुलाई से प्लेसमेंट। अगस्त में प्रशिक्षण, मिलेगा स्टाइपेंड। मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं पास छात्रों के लिए अच्छी खबर। जल्द ही लैपटॉप की किश्त होगी जारी। जून के तीसरे सप्ताह में आएंगे 25,000 रुपये। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के लिए ठेकेदार के साथ इंजीनियर भी होंगे जिम्मेदार। अधिकारियों को निगरानी के लिए साप्ताहिक निरीक्षण प्रोग्राम होगा भेजना। विभाग के प्रमुख सचिव ने दिए हैं निर्देश। भोपाल में भाई बना भाई का दुश्मन। पेट्रोल डालकर लगाई आग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भोपाल नगर निगम ने शुरू की राजस्व वसूली की कार्रवाई। बकायेदारों पर कुर्की की कार्रवाई। न्यू कैटेगराइज्ड मार्केट की दुकानों में तालाबंदी।
भोपाल में तपती गर्मी में बिजली कटौती जारी, अलग अलग इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली कुल मेंटेनेंस के चलते बिजली सप्लाई बंद। ग्वालियर में बदमाशों के औसत बुलंद, घर और कार पर बरसाए पत्थर, लोगों से भी की बदसलूकी। ग्वालियर पुलिस ने सुलझाई हत्या और अपहरण की गुत्थी, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, चरित्र शंका में हुआ था महिला का मर्डर। जबलपुर में बस हादसे का शिकार ड्राइवर और 2 युवक घायल, कटंगी बाईपास के पास हुआ हादसा। उज्जैन में ट्राली से टकराई बस, 8 घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर, भोपाल से उदयपुर जा रही थी बस। कांग्रेस पर अजय चंद्राकर का बयान, कुछ लोगों की नाराजगी आई सामने, कुछ नहीं कर सकती कुमारी शैलजा, उनका लक्ष्य है छत्तीसगढ़ को हरियाणा जैसा बनाना। छत्तीसगढ़ में होमगार्ड जवानों के मानदेय में रैंक वाइज वृद्धि के आदेश जारी, न्यूनतम 6,300 रुपये से लेकर अधिकतम 6,420 तक की वृद्धि। होमगार्ड जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का स्वागत किया गृहमंत्री ने, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सीएम बघेल का जताया आभार। गृहमंत्री अमित शाह 22 जून को आएंगे दुर्ग, बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल, दौरे को लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं को दी गई है जिम्मेदारियां। अमित शाह के दौरे पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान, कुछ किया नहीं, अब चुनाव आ रहा है तो दौरे कर रहे हैं, 9 साल में जो किए उसको गिनाइए। अमित शाह के दौरे पर ताम्रध्वज साहू द्वारा बयान पर चंद्राकर का पलटवार, बोले छत्तीसगढ़ एक परिवार का बन गया है अभ्यारण्य, लोकतांत्रिक गतिविधियों को यहां पसंद नहीं करते। कांकेर में दत्तक ग्रहण केंद्र में मासूम से मारपीट, बच्चे को बेरहमी से पीट रही संस्था की प्रोग्राम मैनेजर, मामले की कलेक्टर से की गई शिकायत। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मासूम की पिटाई करने के मामले में महिला पर गिरी गाज, संस्थान का रजिस्ट्रेशन निलंबित। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सड़क निर्माण पर दिया बयान, बोले जिले में 6.5 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सड़कों के नए सिरे से बनाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री का नक्सलियों को लेकर बयान, पहले की अपेक्षा नक्सलियों का मूवमेंट बहुत कम, पूरा बस्तर अंचल आज सुख शांति से रह रहा है। दमोह गंगा जमुना स्कूल मामले में धर्मांतरण का हुआ खुलासा, प्राचार्य सहित 2 अन्य शिक्षक बने हिंदू से मुस्लिम, राज्य बाल आयोग की टीम को मिले अहम दस्तावेज। गंगोत्री धाम से सर पर कलश लेकर निकली बागेश्वर धाम के लिए एमबीबीएस की छात्रा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी की लालसा के लिए पदयात्रा, 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेगी यात्रा। कांकेर में गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा, 532 किलो गांजे के साथ 2 गिरफ्तार, ओडिशा से तेलंगाना ले जा रहे थे गांजा। शिवपुरी में नर्मदापुरम से ग्वालियर जा रही बस हादसे का शिकार हुई, 2 की मौत, 6 घायल, बस के आगे जा रही गाड़ी का टायर फटने के चलते हुआ हादसा। शाहरापुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर हादसा, बेकाबू होकर पलटी कार, 1 शख्स की मौत, 2 की हालत गंभीर। शाहरापुर में बैंक में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। सतना के मैयर में मां शारदा के दरबार में सचिन पायलट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, विधायक तरुण भनोट भी रहे मौजूद। अंबिकापुर में नदी किनारे कोयला निकालते 3 लोग गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई, पुलिस ने कोयला से भरा ट्रैक्टर भी जब्त किया। रायगढ़ में चोरी की स्कूटी के साथ 2 लोग गिरफ्तार, बेचने की फिराक में थे आरोपी, दोनों चोरी के मामले में पहले भी जा चुके हैं जेल। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी, रायपुर के लिए एयरलिफ्ट किए गए, टेकामेटा पहाड़ी के पास नक्सलियों ने लगाया था आईईडी बम। सुकमा में 1 लाख के नामी नक्सली गिरफ्तार, कुंदेड़ घटना में था शामिल, कुंदेड़ में डीआरजी के 3 जवान हुए थे शहीद। बेमित्रा के एक मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने वाला गिरफ्तार, कई मूर्तियों को तालाब में था फेंका, शांति बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस की तैनाती भी। दमतरी को केरे गांव में चक्का जाम खत्म, यातायात बहाल, जाम से दोनों तरफ लगी थी गाड़ियों की लंबी कतार। सूरजपुर में तेंदुपत्ता से लदे ट्रक में आग लगी, ट्रक जलकर खाक, 11 केवी बिजली लाइन के चपेट में आने से हुआ हादसा।
कोरवा पिस्टल के साथ युवक ने बनाई रील्स, हरकत में आई पुलिस, युवक को थाने में दी समझाइश। कोनागांव के केशकाल में घाटी में लगा जाम, खुला ट्रकों के खराब होने के चलते लगी थी वाहनों की लंबी कतार, यात्रियों को हो रही थी परेशानी। महासमुंद में 5 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, कार से कर रहे थे गांजे की तस्करी, आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। धमतरी में गबन का आरोपी कर्मचारी गिरफ्तार, 37,95,000 के गबन का आरोप, आरोपी आबकारी विभाग में था पोस्टेड। जशपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत, दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक, बगीचा थाने के बंडो टोली की घटना। बड़ौदा बाजार में सीसीटीवी के जरिए चोरी के मामलों का खुलासा, अब तक 18 मामलों में 10,55,000 की रकम बरामद। सूरजपुर में कोयला खदान में 5वें दिन भी तालाबंदी, जोबगा गांव के ग्रामीण कर रहे थे खदान का विरोध, नौकरी और मुआवजे की कर रहे हैं मांग। कवर्धा में बिजली विभाग की लापरवाही, बिजली के तार से हादसे का डर, शिकायत के बाद भी नहीं दिया जा रहा ध्यान। जशपुर में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से युवक की मौत, दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक। पेंडा के मरवाही वन मंडल में पेड़ों की कटाई जारी, अवैध कटाई को वन विभाग रोकने में नाकाम, रोजाना कई ट्रक काटे जा रहे पेड़। बलरामपुर में 20 नग लकड़ी की सिल्ली जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ से झारखंड किया जा रहा था अवैध परिवहन। कोरबा के बैंक में मिला सांप, सर्वर रूम में बैठा था कोबरा, रेस्क्यू टीम ने पकड़ा। जगदलपुर में इंद्रावती नदी के लिए अभियान, चित्रकूट वाटरफॉल से शुरू हुई पदयात्रा, नदी को बचाने की मांग। छत्तीसगढ़ में आज बारिश के आसार, कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात होने की आशंका, गर्मी से मिलेगी थोड़ी सी राहत। मैनपाट में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। कवर्धा में मौसम में बदलाव, हवा के साथ रिमझिम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत।